हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रीशवाल। तो सामने अपने दी न्यूली लॉन्च एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। अब एमजी ने ना हेक्टर में भी लॉन्च कर दिया ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। पहले जो लॉन्च करा था ना ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, वो आपको मिलता था ग्लॉस्टर में। ब्लैक स्टॉर्म एडिशन ना सिर्फ एक ही वेरियंट में मिलता है, जो कि टॉप एंड वेरियंट है, जो चार प्रो वेरियंट आता है उसमें ही मिलता है सिर्फ ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। तो अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करते हैं ना, तो हैरियर में आपको ना डार्क एडिशन मिलता है। तो अटा हैरियर के डार्क एडिशन को देखते हुए एमजी ने लॉन्च कर दिया हेक्टर में इसका ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, जो कि फुल ब्लैक है। एंड ना डीजल में सिर्फ मैनुअल आता है एंड पेट्रोल में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों आ जाता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्टॉर्म एडिशन की कीस से। तो यहाँ पे आपको ये की मिल जाती है ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको बूट ओपनर का फीचर दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो बूट ओपनर का फीचर है आपको ना इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट है ये वाला। एंड यहाँ पे आपको ये की मिल जाती है ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में की में देखते हैं तो की में कोई भी चेंजेस नहीं, सेम आपको वही की मिलती है जो कि पहले मिलती थी एमजी हेक्टर 2024 में। अब यहाँ पे देखते हैं इसके ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। तो यहाँ पे फ्रंट से भी ना कुछ चेंजेस करे गए हैं इसके ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्रिल देखोगे पूरी, तो पूरी जो ग्रिल है ना आपको नॉर्मल हेक्टर में जो है ना पूरी क्रोम में मिलती है। यहाँ पे ना पूरी डार्क क्रोम में कर दी है इसकी ये वाली ग्रिल ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। एलईडी में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डीआरएस मिल जाती है, जो कि डुअल फंक्शन आती है। यहाँ पे आपको डीआरएस दी गई है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको एमजी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया, जो कि इसमें 3-3 कैमरा आता है। एडास का फीचर आपको नीचे की साइड मिल जाता है, जो कि इसमें एडास लेवल 2 आता है। अब इस साइड देखते हैं इसके हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे आपको लो बीम मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम मिल जाता है। नीचे की साइड यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, जो कि ये भी एलईडी में आते हैं। सेंसर जो आते हैं ना, यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके फ्रंट में, जो कि यहाँ पे आपको 3-3 कैमरा आता है। तो एक कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, 2 इसके ORBM पे, 1 रियर में मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं 3-3 कैमरा के। सो ये पूरा फ्रंट लुक मिल जाता है एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म का। ना मेजर जो चेंज करा है ना इसके फ्रंट में, वो आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपको जो ग्रिल मिलते हैं पूरी आपको ना डार्क क्रोम में कर दी गई है। सो ये आपको पूरा फ्रंट लुक मिल जाता है एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म का। अगर साइड लुक्स आते हैं एमजी हेक्टर के ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के, तो साइड से भी ना कुछ चेंजेस करे गए हैं हेक्टर के ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसके अलॉय व्हील्स देखोगे, तो यहाँ पे आपको पूरे ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स। एंड यहाँ पे आपको कैलिपर्स जो है ना ये रेड में रखे गए हैं। सो यहाँ पे आपको रेड कैलिपर्स भी मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है ये पूरा आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पे अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन पूरा सेम है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या है कि यहाँ पे आपको ना ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक में कर दिया है एक तो अलॉय व्हील्स, एंड यहाँ पे आपको रेड कैलिपर भी मिल जाता है। प्रोफाइल पूरी सेम है पहले वाली 21555 R18 की इसकी प्रोफाइल मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए। यहाँ पे ORBMs देखते हैं तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल्स के ORBMs मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाता है, जो कि इसमें 3-3 कैमरा आता है। यहाँ पे साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप भी मिल जाती है इसके विंडो के नीचे। ऊपर की साइड जो यहाँ पे रूफ रेस आती है, ये भी पूरी ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाती है। यहाँ पे ऊपर की साइड मिल जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ। पीछे की साइड जो शार्क पेन एंटीना मिलता है, ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक में ही रखा गया है। एंड साइड से देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में तो कैलिपर रेड मिलता ही, उसी के साथ अगर आप रियर में भी देखोगे तो रियर में भी यहाँ जो कैलिपर मिलता है रेड में रखा गया है। एंड नीचे की साइड आपको मॉरिस गैरेजेस की बैजिंग भी मिल जाती है, जो कि यहाँ पे पूरी क्रोम में मिलती है मॉरिस गैरेजेस की बैजिंग। एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ हाईलाइट करती है ना, वो इसी क्रोम की लाइनिंग करती है। तो यहाँ पे आपको जो क्रोम की लाइनिंग दी गई है विंडो के नीचे, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है इस कलर पे। सो रेयर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है। एमजी का लोगो सेंटर में दिया गया है। यहाँ पे नीचे साइड कैमरा मिल जाता है रिवर्स कैमरा। कनेक्टेड आपको टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पे फ्लोटिंग आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एलईडी टेल लाइट आपको यहाँ दी गई है। डीफॉगर रेयर वाइपर यहाँ मिल जाता है वॉशर के साथ। यहाँ पे हाईमाउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। रेयर में देखते हैं तो रेयर में जैसे फ्रंट में आपने देखा था एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म में, आपको जो क्रोम है वो डार्क क्रोम में मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेम हेक्टर की जो बैजिंग है डार्क क्रोम में दी गई है। एमजी का लोगो भी पूरा डार्क क्रोम में ही मिलता है। नीचे की साइड देखते हो तो नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड रिवर्स पार्किंग लाइट नीचे की साइड ही दी गई है। सो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एक रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ। एक बार ओपन करते हैं इसका बूट। सो ये आपको पूरा बूट स्पेस मिल जाता है एमजी हेक्टर में, जो ये ना ही 7-सीटर वेरियंट अपना बूट स्पेस मिल जाता है हेक्टर प्लस में। यहाँ पे बूट स्पेस देखते हैं, यहाँ पे आपको टिक टाक पूरा बूट स्पेस मिल जाता है। आपको कप होल्डर की स्पेस दी गई। यहाँ पे एसी बैंड्स भी मिल जाते हैं। ये 7-सीटर है तो एसी बैंड्स इसके थर्ड रूम में भी दिए गए हैं। दोनों ही साइड आपको एसी बैंड्स मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे भी दो कप होल्डर की स्पेस दी गई है। बूट में आपको एक लाइट भी मिल जाती है, जो कि पूरी एलईडी में आती है यहाँ पे लाइट। एंड टूल्स जो मिलते हैं वो नीचे साइड दिए गए हैं। यहाँ पे आपको टूल्स दिए गए हैं। एंड जो स्पेयर भी लाता है वो आपको नीचे की साइड मिलता है कार के। सो ये आपका पूरा बूट स्पेस मिल जाता है एमजी हेक्टर प्लस का। तो अब चलते हैं एमजी हेक्टर के ब्लैक स्टॉर्म के इंटीरियर में। तो ये पूरा इंटीरियर मिल जाता है एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म का। अगर पूरा इंटीरियर देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी चेंज क्या है कि अगर आपने हेक्टर में देखा होगा, हेक्टर प्लस में देखा होगा, तो हेक्टर में जो नॉर्मल हेक्टर आती है उसमें आपको ना बेज एंड ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर मिलता है।
जो हेक्टर प्लस आती है उसमें आपको ब्राउन एंड ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर मिलता है, बट यहाँ पे जो हेक्टर के ब्लैक स्ट्रॉम में आपको पूरा जो इंटीरियर है ना यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक कर दिया है। साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि ऑटो ऑफ ऑटो ऑन दोनों है। इसके चारों पावर विंडो, यहाँ पे विंडोज के लॉक एंड कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम मिलता है ना यहाँ पे, जो स्पीकर्स मिलते हैं ये आपको इन्फिनिटी के दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी रखी गई है, आपको स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है। यहाँ पे जो मिलता है ना पूरा आपको कार में ना सॉफ्ट टच ही दिया गया। अगर आप डैशबोर्ड पे भी देखोगे तो डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे जो मिलता है ना ये पूरा सॉफ्ट टच ही रखा गया है। सो यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है इसके इंटीरियर में। सो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है। यहाँ पे सीट अपॉस्टल जो मिलती है पूरी ब्लैक आउट ही मिलती है। एंड यहाँ पे आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। इस साइड मिल जाती है इसकी इलेक्ट्रिक सीट, जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट है ब्लैक स्ट्रॉम 6 पे आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो इन सीट्स को। तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती है एंड अपोस्टी पूरी लेदर रेट आती है। जो सीट से ही आपको वेंटिलेटेड भी मिल जाती है, जो कि कूल्ड एंड हीटेड दोनों सीट्स आती है इसकी वेंटिलेटेड। प्रीमियम्स कंट्रोल आपको सारे यहीं मिल जाते हैं, लाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल यहाँ भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के दिए गए, बूट ओपनर का फीचर मिल जाता है, जो कि इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है, आप इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन कर सकते हो इसके इंटीरियर से भी। अब आपको जो पूरा स्टीयरिंग मिलता है लेदर रैप मिल जाता है इसका स्टीयरिंग। इस साइड मिल जाते हैं इसके MID कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल के सिस्टम, ये आपको यहाँ दिए गए। एंड कॉल पे एक डेकलाइन आप यहाँ से कर सकते हो, वॉइस कमांड के फीचर भी यहाँ मिल जाते हैं। MG का लोगो रहता है, यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसमें ना 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में। ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड वाइपर्स कंट्रोल भी ऑटोमेटिक ही दिए गए, MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे। सो आप सेंटर में अगर आप MID देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है इसकी MID। सो यहाँ पे आपका एडास भी मिल जाता है एंड यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो सारी TPMS एंड सारी चीजें आपको यहीं मिल जाती है। करंट स्पीड, ट्रिप एंड ट्रिप भी आप दो सेट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे टैकोमीटर मिलता है, RPM मीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया। सो ये पूरा जो क्लस्टर आता है ना आपको डिजिटल ही दिया गया है इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में, ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इस साइड आपको फ्यूल का बता देगा, यहाँ पे आपको TPMS भी बता देगा, सारी चीजें आपको यहीं मिल जाती है। सो ये आपको पूरा क्लस्टर मिल जाता है। तो सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में सबसे बड़ी टच स्क्रीन जो आती है ना इस सेगमेंट में वो आपको ऑफर करता है MG, जो कि यहाँ पे जो टच स्क्रीन है आपको 14 इंचेस की टच स्क्रीन दी गई है, जो कि सेगमेंट में इतनी बड़ी टच स्क्रीन कोई भी ऑफर नहीं करता। अगर आप सफारी में भी जाओगे तो सफारी में आपको 12 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पे आपको 14 इंच की स्क्रीन दी गई है MG हेक्टर में। सो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं कार के, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसकी स्क्रीन में, मतलब आप सारे जो कार के जो फीचर्स आप इसकी स्क्रीन से ही टच कर सकते हो। इवन अगर आपको सनरूफ भी ओपन करना है तो आप सनरूफ भी यहाँ से ओपन कर सकते हो इसका। एंड यहाँ पे इसके लैंप्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ML लाइट यहाँ पे यहाँ से सेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ML लाइट बहुत सारे कलर्स के ML लाइट मिल जाती है, आपका अकॉर्डिंग आप ML लाइट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे टेल लाइट एंड सारी चीजें आपको सारे कंट्रोल्स यहीं मिल जाते हैं हेक्टर में। यहाँ पे मिल जाता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड नीचे की साइड आपको वेंटिलेट सीट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए गए इसके वेंटिलेट सीट्स के। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए, यहाँ पे AC मैक्स का मिल जाता है, जैसे इस बटन को क्लिक करते हैं जो AC है वो पूरा मैक्स स्पीड में हो जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, कप होल्डर की स्पेस दी गई है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रियर का मिल जाता है AC, आपको ग्लव बॉक्स भी कूल दिया गया है इसका ग्लव बॉक्स। ऊपर की साइड देखते हैं तो सनवाइजर पे आपको लाइट एंड मिरर दोनों चीजें दी गई है। सेंटर में IRPM मिल जाता है, जो कि ये भी ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, तो जो लाइट्स है ना LED में ही आती है, सो आपको पूरी कैबिन लाइट LED में मिलती है। एंड यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। आपको ना पैनोरामिक सनरूफ अगर ओपन करना है सो आप ना 3 तरीके से कर सकते हो उसके पैनोरामिक सनरूफ को ओपन। एक आपको यहाँ मिल जाता है, एक वॉइस कमांड से सनरूफ ओपन कर सकते हो, एंड एक और फंक्शन क्या मिल जाता है अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो यहाँ पे आपको इसके स्क्रीन में जाके इससे भी इसको स्लाइड करना है, सो ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है इसका सनरूफ। सो आपको ना ये फीचर भी मिल जाता है। एंड को ड्राइवर साइड देखते हैं तो को ड्राइवर साइड भी आपको मिरर लाइट दोनों चीजें दी गई है। बट एक और चीज इसमें क्या अच्छी है कि जैसे पूरा जो इंटीरियर आप देखोगे ना तो पूरा इंटीरियर आपको ब्लैक में तो मिल ही जाता है पूरा डैशबोर्ड पे, पर अगर आप रूफ देखोगे तो रूफ ना पूरी लाइट कलर में, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है कि आपको ना पूरा अंधेरा जैसा नहीं लग रहा पूरी कार में। अब रेयर में देखते हैं सो यहाँ भी पूरा जो टच मिलता है पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, जो कि ऑटो ऑफ ऑटो ऑन दोनों हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसमें यहाँ पे ट्विटर्स आते हैं। नीचे साइड स्पीकर्स दिए गए हैं इन्फिनिटी के। बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है, यहाँ भी स्पेस दी गई है, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच ही मिलता है। अब यहाँ पे स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक पूरा लेग स्पेस मिल जाता है। सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे साइड स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसका जो आर्म रेस्ट है ये पूरा आपको फिक्स्ड ही मिलता है, स्लाइडेबल आर्म रेस्ट नहीं ऑफर करा गया, ये पूरा आपको फिक्स्ड ही मिलता है। तो आपको 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे तीनों आपको एड्रेस मिलते हैं, एडजस्टेबल दिए गए। 3 पॉइंट्स आपको सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। एंड कैबिन लाइट मैंने बताया था कि कैबिन लाइट पूरी LED में ही आती है, सो यहाँ पे भी जो कैबिन लाइट मिलती है पूरी LED में रखी गई है।
तो कैबिन लाइट ना फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको एलईडी लाइट्स ही मिलती है। एंड एयरबैग की बैजिंग ना यहाँ पे भी दी गई है, सो यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि इसमें ना 6 एयरबैग्स आते हैं, जो पिलर्स पे भी एयरबैग्स दिए गए हैं, सो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपको इंजन मिल जाता है एमजी हेक्टर के ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में। यहाँ पे जो इंजन मिलता है सेम ही रखा गया, जो कि 2 लीटर का यहाँ पे इंजन आता है, 168 bhp निकालता है, 350 nm ऑफ टॉर्क निकालता है। ये डीजल इंजन वेल में ही आती है डीजल, क्योंकि पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइसिंग देखते हैं ना एमजी हेक्टर के ब्लैकस्टॉर्म एडिशन की, सो ये टॉप एंड वेरिएंट में ही आता है सिर्फ एमजी हेक्टर के, जो कि शार्प प्रो वेरिएंट है। कि जो प्राइसिंग है ना ये 25,000 ही ज्यादा रखी गई है इसके टॉप एंड वेरिएंट से, जो कि शार्प प्रो वेरिएंट आता है। अगर आपको ब्लैकस्टॉर्म एडिशन चाहिए तो आप टॉप एंड वेरिएंट से 25,000 ज्यादा देके आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हो, जो कि एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आती है 22,75,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अगर आप इंदौर में ऑन रोड देख रहे हो एमजी लैंडमार्क इंदौर में, सो यहाँ पे ये आपको ऑन रोड पड़ती है 28 लाख की। सो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशन का रिव्यू। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।